दोस्तों, विवेक मुशरान बॉलीवुड के जाने माने और बेहद लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपना अच्छा खासा योगदान दिया। विवेक सौदागर राम जाने इंसानियत के देवता जैसी सफल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे हैं। अपनी मासूम और सादगी भरे अंदाज से विवेक ने कितनी ही हसीनाओं का दिल चुराया है। विवेक एक नायाब एक्टर होने के साथ साथ एक काबिल लेखक, निर्देशक और निर्माता भी रह चुके हैं। बता दें कि विवेक सिंगिंग का भी हुनर रखते हैं, जिसके चलते इन्होंने एल्बम सॉन्ग्स भी बनाए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विवेक ने फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े नाम के साथ साथ वैश्विक ख्याति भी अर्जित की है। तो दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो के जरिए अभिनेता विवेक मुशरान के पारिवारिक जीवन पर एक प्रकाश डालने जा रहे हैं। हम यहां आपको विवेक के शुरुआती जीवन और उनके परिवार के सभी सदस्यों से रूबरू करवाएंगे, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और जानें विवेक मुशरान के पारिवारिक जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की, तो विवेक मुशरान का जन्म और पालन पोषण रेणुकूट सोनभद्र जिले उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी आधी स्कूली शिक्षा हिंडाल्को विद्या निकेतन हिंडाल्को रेणुकूट से की और उसके बाद बाकी की शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल उत्तराखंड से की थी। तत्पश्चात उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई महाराष्ट्र से पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विवेक ने अभिनय में अपना करियर बनाने का सोचा और मुंबई में रहने लगे। वहीं बात करें इनके फिल्मी करियर की, तो दोस्तों कम उम्र से ही अभिनय का शौक होने के कारण विवेक ने उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया, जिसके चलते विवेक ने अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए एक स्थानीय अभिनय स्कूल में प्रवेश लिया और उन्नत अभिनय प्रशिक्षण के लिए एक थिएटर में गए। थिएटर में विवेक ने कई मंचीय नाटकों और नाटकों में अपने शानदार प्रस्तुति की, जिसके चलते उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं आई। और अपनी मेहनत और लगन से विवेक ने सन 1991 में ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म सौदागर से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के गाने इलू इलू में अपने मासूम सी परफॉर्मेंस के बाद विवेक सबके दिलों पर छा गए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस फिल्म में विवेक के साथ दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, अमरीश पुरी, अनुपम खैर जैसे दिग्गज कलाकार थे और इस फिल्म के निर्देशक सुभाष घई थे, जो अपनी फिल्म सौदागर के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। विवेक से मिलते ही विवेक का भोला और मासूम सा चेहरा उनके दिल में बस गया और उन्होंने फैसला लिया कि उनकी फिल्म में लीड हीरो का रोल तो विवेक ही करेंगे। और इस तरह विवेक के करियर की शुरुआत एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से हुई। इसके अलावा विवेक ने राम जाने, ऐसी भी क्या जल्दी है, फर्स्ट लव लेटर, प्रेम दीवाने, अनजाने, बेवफा से वफा, दिल है बेताब, जान, इंसानियत के देवता, छोटा सा घर, सनम, अनजाने सहित कई अन्य फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। लेकिन धीरे धीरे विवेक को फिल्मों में लीड एक्टर के रोल मिलने कम हो गए और फिल्मों में मन का रोल न मिलने के कारण इन्होंने अपना रुख टीवी सीरियल्स की तरफ मोड़ लिया, जिसके चलते विवेक ने स्टार प्लस टीवी पर प्रसारित सोनपरी, जी टीवी धारावाहिक किटी पार्टी में भी अभिनय और सोनी टीवी धारावाहिक भास्कर भारती और दूरदर्शन टीवी धारावाहिक ऐ दिले नादान में देखा गया था। सोनपरी सीरियल में इनके किरदार का नाम रोहित था और ये सीरियल में एक बेटी के पिता थे, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। ये सीरियल 4 साल तक चला। इसके अलावा भी विवेक ने सोनी टीवी पर प्रसारित शो बात हमारी पक्की है पर भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी नवीनतम भूमिका बात हमारी पक्की है सोनी टीवी में सांची के चाचा इंदर के रूप में थी। साथ ही विवेक ने परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी में भी काम किया। ये एक पारिवारिक नाटक था जिसमें बच्चों के संस्कारों को महत्व दिया गया था। इस शो में विवेक के किरदार का नाम लखविंद्र सिंह अहलूवालिया था। इसके अलावा भी विवेक ने धारावाहिक निशा और उसके चचेरे भाई में काम किया और मुख्य चरित्र के पिता की भूमिका निभाई। विवेक ने सोनी टीवी श्रृंखला मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो में विक्रमजीत सिंह की भूमिका भी निभाई। इसके अलावा साल 2020 में Z5 की वेब सीरीज नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड में और साल 2022 में वेब सीरीज माई अ मदर्स रेज में अपना हुनर दिखाया। बता दें कि विवेक ने अपने एल्बम कहीं खो गया में गाने भी गाए हैं। सुनने में आया था कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में विवेक का बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ झगड़ा हो गया था और झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ गया था कि अभिनेता अक्षय ने फिल्म करने से ही मना कर दिया था।
हुआ कुछ यूं था कि अक्षय ने सन 1991 में सौगंध फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के रिलीज होते ही हर तरफ अक्षय कुमार का ही बोलबाला था, तो वहीं दूसरी ओर विवेक मिश्रान भी अपनी पहली फिल्म सौदागर के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। प्रोड्यूसर हरीश शाह ने अपनी फिल्म के लिए विवेक मिश्रान को लीड रोल के लिए मनीषा कोइराला के ऑपोजिट साइन किया और उसी फिल्म में पैरेलल लीड के लिए अक्षय को लिया, लेकिन अक्षय खुद को सीनियर बताकर क्रेडिट के लिए लड़ गए। अक्षय चाहते थे कि क्रेडिट में उनका नाम विवेक मिश्रान से पहले आए क्योंकि वो विवेक के सीनियर हैं। वो इसलिए कि अक्षय की पहली फिल्म सौगंध रिलीज हो चुकी थी और विवेक की फिल्म रिलीज होना बाकी थी, और जब अक्षय को क्रेडिट देने से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने वो फिल्म ही छोड़ दी। बता दें कि इस पूरी घटना के बारे में प्रोड्यूसर हरीश शाह ने अपनी किताब ट्राइस्ट विद फिल्म्स में भी लिखा है। सुनने में आया था कि सौदागर फिल्म के चलते फिल्म की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के साथ इनका अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, यहाँ तक कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका और ये सगाई टूट गई। अगर बात करें इनके परिवार की तो इनकी माँ का नाम अनसुया मिश्रान है और इनके पिता का नाम दीपक मिश्रान है। विवेक के दो भाई और एक बहन भी है। इनके भाइयों के नाम सुनील मिश्रान और प्रदीप मिश्रान है और बहन का नाम आरती मिश्रान तंखा है। बता दें कि इन चारों भाई बहनों में बेहद प्रेम है, जिसका क्रेडिट विवेक अपने माता पिता की अच्छी परवरिश को देते हैं। बात करें इनकी शादी की तो विवेक ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड वृंदा मिश्रान से शादी की है, लेकिन अभी तक उनके बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, विवेक मिश्रान अभी अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं और अच्छा काम मिलने पर अपनी एक्टिंग को भी बढ़ावा देते रहते हैं। एक अभिनेता होने के अलावा विवेक एक लोकप्रिय फैशन मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं, जिनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों फॉलोअर्स भी हैं। विवेक इंस्टाग्राम पर प्रसिद्ध हैं और अक्सर अपनी यात्रा, रोमांच, दैनिक जीवन की तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते हैं। विवेक ट्विटर पर भी सक्रिय हैं और अक्सर अपने फैशन और अपनी जीवन शैली के बारे में ट्वीट करते हैं। विवेक की कमाई के प्रमुख स्रोत अभिनय, फिल्में, टीवी शोज, विज्ञापन, ब्रांड प्रचार और विभिन्न व्यावसायिक उद्यम हैं। विवेक ने बताया था कि उनका कभी भी एक्टर बनने का कोई इरादा नहीं था। सुभाष घई के कार्यालय में अपनी तस्वीर छोड़ चले आए थे। उन्हें पहले प्रयास में चुने जाने की कम से कम उम्मीद थी। विवेक बोले, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट था, मैंने मॉडलिंग की कोशिश करने के लिए कुछ फोटोज क्लिक किए। अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला होता तो भी मैं वापस MBA कर लेता, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं ना, कभी कभी सितारे और भाग्य आपके पक्ष में होते हैं, ये उन पलों में से एक था। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।